तो ये रश्मि घूम रही है, क्या हुआ? बैग लिया। कितने का पड़ा? 300 का दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नया वीडियो के साथ। और आज हम कहाँ चल रहे हैं? बुद्ध बाजार। आज जा रहे हैं बुद्ध बाजार, बुद्ध मार्केट लगती है, तो वहीं पे जा रहे हैं और आप लोगों को जो है बुद्ध मार्केट का वीडियो दिखाने वाले हैं। और चलते चलते जो है बात करते हैं आपसे, इससे पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो नए आने वाले वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। संडे मार्केट का वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा और बुद्ध मार्केट जो है वो हमेशा से लग रही थी और लग रही है। संडे मार्केट अभी नहीं चालू हुई थी, बट बुद्ध मार्केट जो है बहुत पुरानी मार्केट है, वो पहले से लग रही है। सोमवार एक मंडे को भी लगती है, तो वहां पे भी किसी दिन अगर हो सकेगा तो आप लोगों को लेके चलेंगे और दिखाएंगे। फिलहाल आज तो जो जा रहे हैं वो है बुद्ध मार्केट और निकल चुके हैं घर से, जस्ट यहां से 5-6 मिनट लगेंगे और या 10 मिनट लग सकते हैं, आराम से घूमते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं और मिलते हैं आपसे आगे चलते। हमारे चौराहा का थोड़ा कलर जो है चेंज ही होता रहता है, पर आए दिन जो है यहाँ का लुक जो है थोड़ा बदलता ही रहता है। अभी आप देखें तो कैसा दिख रहा है ये। तो फिलहाल अभी आ चुके हैं काफ़ी दूर, यानी कि अपने घर से वही 100 मीटर के अराउंड। और ये जो कंपनी है ये है ड्रम वाली कंपनी, ये सराज बोलते हैं, कंटेनर्स बनते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहीं पर पड़ता है जो जलाराम मंदिर है। आपने जो वीडियो देखा था ना कल वाला, उसमें कल या परसों वाला देखा होगा आपने, उसमें जो है जलाराम मंदिर के बारे में मैंने बोला था शुरुआत में ही वीडियो के, तो जस्ट यहीं पे पड़ता है। अभी मैं आपको जो है बैक कैमरे से वो भी दिखा दूंगा। और यह जो है यहाँ पे चालू हो गई हैं, अगर आप बोलोगे तो जो है कंपनियों के ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा जहाँ पे बर्दियाँ चालू हैं। तो अगर आप कमेंट्स करके बताओगे, अगर 10 कमेंट आएंगे कंपनी से रिलेटेड कि आप कंपनी का वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो जो है वो बनाऊँगा जाके। और कानपुर जाने से पहले ही बना दूंगा क्योंकि कानपुर जाने वाले हैं अभी हम लोग। और चलो आपको दिखा देते हैं कि कहाँ कैसा है जो यहाँ का टेम्पल है। उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये इधर से है, और अभी मैं बैक कैमरे से आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो ये टेम्पल बना हुआ है और अभी हम लोग जा रहे हैं। ये रोड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए थोड़ा ऐसा है हालत कि धूल वगैरह हल्की सी उड़ रही है, गाड़ियाँ जो है बड़ी बड़ी निकलती रहती हैं। ये मंदिर है जिसे जलाराम टेम्पल के नाम से जानते हैं यहाँ पे। और ये जो है कंपनी वाला एरिया है, इधर पे सारा जो कंपनियाँ ही हैं। और आगे पे जाओगे तो सारी जो है कंपनियाँ देख रहे हैं वो आप देख सकते हो, वो भी कंपनियाँ ही हैं। चलते हैं आगे, और बुद्ध बाजार यहाँ से जस्ट 150 मीटर ही दूर है। तो फिलहाल अभी आ चुके हैं और चलते चलते हमने कहा थोड़ी बहुत और भी बात कर लेते हैं। रश्मि, ओ रश्मि कहाँ जा रही है? मेला, इनका तो दोनों का मेला ही रहता है, लेना देना नहीं है। देख लेते हैं कुछ आता है पसंद तो ले लेते हैं चल के। और पहाड़ी एरिया ये थोड़ा पड़ता है, इसके लिए थोड़ा क्या है यहाँ पे दिक्कत ये रहती है कि गर्मी ज़्यादा रहती है। अभी जो है 6:30 बज रहा है और भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी है कुछ कहीं नहीं, नहीं। बाल खींच रहा है और धूल भी उड़ रही है, तो इतनी सारी गाड़ियां निकल रही हैं। उस दिन इस बिल्डिंग के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे रूम मिल जाते हैं, और इस बिल्डिंग के बारे में डिपॉजिट जो है इसका करीब वही रहेगा 5,000 के अराउंड रखते हैं डिपॉजिट, और रूम का प्राइस भी 4,000 के अराउंड होगा। तो ये कुछ इसका जो है डिपॉजिट है, क्योंकि इसमें जो है फैमिली वाले ही रहते हैं और जो है शायद 2 रूम हैं, एक रूम के साथ में 2 रूम हैं और प्लस किचन बाथरूम जो है वो सारा, तो इसके लिए बालकनी भी दिया हुआ है आप देख सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा जो है इसका कॉस्टली है प्राइस। और ये देख सकते हो कुछ आम के जो है यहाँ पे पेड़ देखने को मिले हैं। फिलहाल आम जो है यहाँ पे बड़े बड़े हो चुके हैं और मार्केट में भी आ रहे हैं, बट जो है प्राइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, करीब 200 से 250 रुपये के लिए। 120-150 मिल जाता है अभी, सस्ता हो गया ना। तो अभी रश्मि बता रही कि 120 रुपये किलो है, तो थोड़ा सस्ता हो गया है। उस समय मैं गया था तो 220 रुपये 200 के अराउंड था, जब मैं सूरत गया हुआ था उस समय मैंने पूछा था। फिलहाल बिल्कुल बुद्ध बाजार पे हम आए गए हैं, ये इधर पे पीछे है बुद्ध बाजार पूरी, और आपको जो है बैक कैमरे से दिखाते हैं ताकि सब कुछ जो है अच्छे से दिख जाए। उस दिन देखो मैं आपको दिखा रहा था वो है कोस्टल हाईवे जो बोला था, और ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं जहाँ पे मैं रूम के लिए बता रहा था आपको। और यहाँ से जो है ये बुद्ध बाजार का रास्ता दिया हुआ है, और चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत, और कुछ इस तरह से है। उस दिन यहाँ पे जो है उस दिन आपको दुकानें नहीं दिख रही थी, बट ये बुधवार को ही लगता है, इसलिए जो है बुधवार को ही दुकानें यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से जो है घड़ियाँ वगैरह देख सकते हो आप, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कपड़े जो हैं यहाँ पे।
कितने दे रहे टी शर्ट? थोड़ी बने ना तो अभी फिलहाल यहाँ पे स्नैक्स वगैरह कुछ जो है दुकानें हैं और कपड़े वगैरह आप देखो तो कपड़े जो है दुकानें हैं और ये यहाँ पे आप देखो तो कुछ इस तरह से दुकानें जो है यहाँ पे लगी हुई हैं सारी और जो दुकानें वहाँ पे भी लगी हुई थी कुछ बहुत दुकानें यहाँ पे भी आती हैं बाकी काफ़ी जो है लंबे एरिया में लगती हैं यहाँ पे। थोड़ा मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दुकानें लगी हुई हैं कपड़े की। कपड़ा जो है वही रेट है जो मैंने उस दिन आपको बताया था संडे मार्केट में। शर्ट का प्राइस जो है 200 से 250 और पैंट का 300 साढ़े 300 ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है और अभी आगे चलते हैं। अभी काफ़ी बड़ी मार्केट है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे बैग्स वगैरह जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है टॉर्च वगैरह लोगों को ज़रूरत रहती है तो यहाँ पे। और क्लोथ्स भाई साहब यहाँ पे बहुत मिलते हैं क्योंकि ये पास में ही सूरत और वापी है तो दोनों जगह से क्लोथ्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुर्तियाँ जो हैं 200 रुपये, ये भी 150-200 चद्दर हो गए। और ये फास्ट फूड का कुछ इधर पे और यहाँ पे जो है शुरुआत हो जाती है। आगे सब्जी मार्केट लगी हुई है थोड़ी सी। ये यहाँ पे कपड़े की दुकानें लगी हुई हैं और ये जो है मसाले की दुकानें आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो आपको दिखा देते हैं चल के पूरा और यहीं से तो दिखा देंगे। अभी जो है डे है तो अच्छे से हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा जो है सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कटहल जो है कटा हुआ यहाँ पे मिलता है। मैंने बोला था उस दिन को जो है पीस करके दे देते हैं पूरा कटा हुआ, वैसे भी मिल जाएगा लेकिन कटा हुआ ये देख सकते हो अब रखा हुआ है। और तरबूज वगैरह आप देख सकते हो जो है तरबूज भी आ रहा है। गर्मी का सीज़न है तो तरबूज वगैरह तो लोग खाते हुए हैं। चारों तरफ देख सकते हो दुकानें लगी हुई हैं कपड़ों की। और कपड़े का प्राइस वही सेम पुराना रेट जो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि शर्ट का प्राइस जो है 200 रुपये 250 रुपये और जो पैंट है वो जो है 300 रुपये 350। तो यहाँ पे सब खुदा पड़ा हुआ है, शायद मुझे कुछ बनाना रहा होगा दुकानें वगैरह इसलिए। और यहाँ पे तो थोड़ा भाई दिक्कत हो सकती है रात में क्योंकि दुकानें वगैरह जो है लगी हुई हैं पर ये खुदा हुआ पड़ा है। पहले नहीं खुदा हुआ था, अभी ये बीच में ही खुद डाला है। और ये देख सकते हो चारों तरफ ये कुछ इस तरह से जो है बुद्ध बाजार लगी हुई है पूरी। और जो बाकी बाजार है उस साइड आगे जाने पे है। तो यहाँ पे कपड़े जो है भाई साहब वही सब 200 रुपये रेट है सारा। कुर्तियों का इतना भी रेट है 200 रुपये। और गन्ने का जूस 10 रुपये पी सकते हो आके, बट उतना ज़्यादा जो है हाइजीनिक नहीं मिल पाएगा यहाँ पे क्योंकि गन्ना जो है काफ़ी दिन पुराना टूटा हुआ रहता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये रश्मि घूम रहे हैं। क्या हुआ? बैग लिया है। कितने का पड़ा? 300 को दिया, 350 कह रहा था, 300 को दिया। ठीक है, नाइकी का है, नाइकी का बैग है 300 का। सही है, डब्बे वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। और यही है कपड़ा मिलते हैं, कपड़े के लिए लोग आते हैं कपड़े खरीदना है। चीपेस्ट प्राइस में कपड़े जो है जो लोग ब्रांडेड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतने महंगे वो लोग यहाँ यहाँ से कपड़े ले जाते हैं कुछ इस तरह से है। और ये मार्केट है पूरी। और कंपेयर करके आप लोग बताइएगा अगर आपने देखा है संडे वाला मार्केट और ये वाला, दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा है। और ये रहा कुछ इस तरह से पूरा मार्केट। फिलहाल अभी मैं बुद्ध मार्केट में हूँ और ये है दमन का बुद्ध मार्केट। और यहाँ पे आया हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा है बुद्ध मार्केट। और शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा पूरा वीडियो। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।